दोस्तों, हमारी धरती और धरती के लोग एक से एक रहस्यमय चीजों से भरी हुई है, जिस पर विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन जो भी है एकदम सच है। अपने फिल्मों में कई एवेंजर्स जैसी सुपर पावरों को देखे होंगे, लेकिन फिल्मों में, पर मैं आपको बता दूं कि ये सब सच में भी है, तो आपको मेरी बातों पर यकीन करना मुश्किल होगा। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे इंसान से जिसके शरीर पर बिजली के 11,000 वोल्ट के झटके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हालांकि 11,000 वोल्ट करंट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे 500 घरों तक बिजली पहुंचाया जा सकता है, और एक इंसान को जला कर राख करने के लिए 11,000 वोल्ट काफ़ी है। तो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपको मेरे इस प्यारे से वीडियो पर स्वागत है। जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, वो लड़का हरियाणा के सोनीपत में रहने वाला 18 वर्षीय लड़का है, जिसका नाम दीपक जांगड़ा है। हैरत की बात तो यह है कि किसी भी इंसान को मात्र 2700 वोल्ट का झटका मौत दे सकती है, लेकिन दीपक जांगड़ा के केस में ऐसा नहीं है। दीपक जांगड़ा पर 11,000 वोल्ट का भी झटका बेअसर होता है। हालांकि दीपक के शरीर पर कई एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला आखिर इतनी इस करंट ऑब्जॉर्ब कैसे कर पाता है। दीपक को अपनी शक्ति का अनुभव तब हुआ जब वह 3 साल पहले हीटर ठीक कर रहे थे। गलती से हीटर का स्विच बंद करना भूल गए और नंगे हाथों से उसने वह ठीक कर दिया, लेकिन उसे करंट नहीं लगा। उसे लगा कि लाइट कट गया होगा, लेकिन फिर से चेक किया पर करंट नहीं लगा। तो उसे पता चला कि उसके शरीर पर बिजली का कोई असर नहीं होता है। अपनी क्षमता को आजमाने के लिए दीपक हाई टेंशन लाइट पर चढ़ गया। 11,000 वोल्ट की जो लाइन गांव को रोशन करती है, उसे छूकर दीपक सभी को हैरान कर दिया। पहले तो उसने देखा कि गांव के लोग उसे ऐसा नहीं करने को कह रहे थे। लोगों को लगा कि यह पागल हो गया है, और उसकी माँ को लगा कि वो आत्महत्या कर रहा है, लेकिन दीपक को कुछ नहीं हुआ। वो आसानी से तार को छूकर आराम से नीचे उतर गया। दीपक का मानना है कि यह हुनर भगवान की दी हुई उपहार है। वो खुद को भाग्यशाली मानता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता, और वो अपनी इस पावर को खोना नहीं चाहता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।